हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। वेलकम टू लाइब्रेरी। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम हैं द गुज्जू फैमिली इन कनाडा। मंडे हो गया, वीक शुरू हो गया है। मंडे के 7:45 अभी सुबह सुबह बालाजी रतलाम से हो चपाड़ी बाकरी सुबह सुबह भगवान के दर्शन कर लेते हैं। तो जो भी हमारी चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट भी डाल दिया करें। और अब तो मैम को जाना नहीं है स्कूल पे, पीयू मैम को, तो रुचा अभी बिजी होगी, वो दोपहर को मिलेगी आपको। तो मैं वीडियो की शुरुआत कर देता हूँ क्योंकि अभी स्कूल में स्ट्राइक चल रही है। वंस अगेन प्लीज़ whoever watching first time, please like, share and subscribe and comment भी डाल दिया करें। So let's start। तो अब बज रहे हैं दोपहर के 2:30 और पीहू खाना खा के अपना नैप टाइम एंजॉय कर रही है। मैंने उसे थोड़ी देर सुला दिया क्योंकि सुबह से बस भागा दौड़ी ही चल रही थी। मैंने बोला थोड़ी देर सो जाओ। अब और थोड़ी देर के बाद पीहू उठ गई और अब मैं कर रही हूँ बाहर का काम। 3:15 बजने को है तो बाकी सब काम मेरा ख़त्म हो गया है, पर ये काम बाकी बहुत दिनों से रह जाता था। आज वेदर थोड़ा ठीक है तो मैंने सोचा ये कर लेती हूँ। वी आर ऑल रेडी टू गो टू लाइब्रेरी। तो लेट्स गो। मैं लाइब्रेरी में खेलूंगी। ओके कम ऑन। Come on. तो बस एंटर होते ही कुछ ऐसे हैं हमारी पब्लिक लाइब्रेरी के नज़ारे। मैं वहाँ पर कुछ बोल नहीं पाई तो मैंने सिर्फ वीडियो ले लिए और फिर मैंने सोचा कि मैं उसके बाद वॉइस ओवर कर दूँगी। अभी कनाडा में 11 तारीख को रिमेम्बरेंस डे है तो यहाँ पर उसकी सारी बुक लगाई हुई थी। पब्लिक लाइब्रेरी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आपको कोई भी पब्लिक लाइब्रेरी में जाना है और अपना नज़दीक में है तो आपका एड्रेस देना है और बस फिर वो लोग आपको कार्ड दे देते हैं और वो लेके आप ये लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ पर आके पढ़ सकते हैं। इंटरनेट वगैरह ऊपर है, कंप्यूटर्स वो भी यूज़ कर सकते हैं और प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।
तो ये सारी फैसिलिटीज़ फ्री होती है। आप यहाँ से बुक भी ले जा सकते हैं, अपने घर पे रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और रिटर्न कर सकते हैं। तो ये हमारी मेरी पीहू के साथ फेवरेट एक्टिविटी है। मैंने सोचा पहले नीचे से मेरे लिए बुक ले लेती हूँ ताकि ऊपर बैठ के मैं पढ़ सकूँ, और मैंने अपने लिए बुक ले ली और अब हम जा रहे हैं ऊपर। पीहू इज़ सो एक्साइटेड क्योंकि बच्चों के लिए बुक्स पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और क्योंकि हम लोग रेंटल अपार्टमेंट में रहते हैं तो ज़्यादा बुक्स मैं ख़रीद के नहीं ला सकती क्योंकि स्टोरेज का प्रॉब्लम फिर रहता है। तो मैं क्या करती हूँ, एवरी वीक आती हूँ यहाँ से, बहुत सारी बुक्स लेकर जाती हूँ पीयू के लिए। पीयू पूरा वीक पढ़ती है उसे और फिर हम लोग रिटर्न कर देते हैं। तो इस तरह से वो नई नई बुक्स एक्सप्लोर करती रहती है और उसे थोड़ी पढ़ने की हैबिट भी हो जाती है। काफ़ी सारी वो पिक्चर्स बुक भी ले लेती है ताकि उसे पिक्चर भी अच्छे अच्छे देखने के लिए मिले। तो बस ऊपर आते ही यहाँ है किड्स सेक्शन। किड्स सेक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाए ये लोगों ने, कलरफुल, और यहाँ पर खेलने के लिए चीज़ें हैं और पढ़ने के लिए बहुत सारी बुक है, बहुत सारी पिक्चर बुक्स है। सिर्फ बच्चे पिक्चर देख के लर्न करते हैं तो पीहू को बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पर बैठ के बच्चे गेम्स खेल सकते हैं, ऑडियो बुक भी पढ़ सकते हैं। तो ज़्यादातर मैं गेम्स अलाउ नहीं करती। यहाँ पर पीहू अपने लिए ऑडियो बुक ढूंढ रही है, उसे जो भी ऑडियो बुक पसंद आएगी वो सुनना स्टार्ट करेगी और थोड़ी देर वो सुनेगी, क्योंकि अगर वो पढ़ती है तो फिर मुझे उसको रीड करके सुनाना पड़ता है, उसको अच्छे से पढ़ना भी नहीं आता। तो सी, तो पीहू ने अपने लिए बुक सिलेक्ट कर ली है। शी विल स्टार्ट लिसनिंग। एंजॉयिंग व्हाट्स दैट पीहू आंसू जी बट नाउ चमचीडियो एकला मसो गॉड वनोस ना जो तो है रीड मी बुक छे रीड मी ओह हेलो ओके लेट्स गो ओके ओके वेट 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 ते नाउ हियर ओके बुक ए करे तू सांभळ बस। तो अभी पीहू अपनी बुक सुन रही है और मैं अपनी बुक पढ़ रही हूँ। यहाँ एवरी वीक हमें आना और आराम से समय बिताना बहुत ज़्यादा पसंद है। एक्चुअली समर में तो आप गार्डन में खेल सकते हो या बहुत सारी और एक्टिविटीज़ कर सकते हो, पर विंटर्स में क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, मुझे पर्सनली ये करना बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो आती भी है, अपनी बुक्स एक्सप्लोर करती है और मैं भी अपना मी टाइम एंजॉय कर सकती हूँ। यहाँ पर बुक्स के साथ खेलने के लिए टॉयज़ भी है, तो जब वो थक जाती है पढ़ के सुन के तो वो खेल लेती है। तो ये एक कंसिडर करना चाहिए कि आप अगर आते हो तो जो सर्विस हमें पब्लिक सर्विस गवर्नमेंट फ्री में देती है वो उसका यूटिलाइज़ हम अच्छे से कर सकते हैं। तो ये हम एक एक्टिविटी करते रहते हैं। तो अब पीयू खेलने लगी है। हाँ ले ले, तर जलेबी हो ले ले चल। सो नाउ इट्स टाइम टू गो होम। पीहू अपने लिए बुक सिलेक्ट कर रही है कि कौन सी बुक पढ़ेंगे इस वीक घर पे। तो बस उसने लेना स्टार्ट कर दिया है। वो इतनी सारी बुक्स इकट्ठा करती है और फिर डिसाइड करती है इसमें से कौन सी ले, मुझसे पूछ पूछ के। और अभी हम लोग जा रहे हैं चेकआउट काउंटर पे। चेकआउट करना भी एकदम इजी है, आप खुद से ही कर सकते हो। बस आपको सिर्फ अपना कार्ड स्कैन करना होता है। और अब तो पीहू इतनी यूज़ टू हो चुकी है कि उसे पढ़ना नहीं आता, पर सब कुछ खुद ही कर लेती है कि कहाँ से चेकआउट करना है। तो उसने फटाफट बस स्टार्ट किया और ऐसे एक एक बुक रखनी है। जैसे ही आप बुक रखते हो वो स्कैन हो जाती है, स्कैन हो जाएगी तो आपको लिस्ट आ जाएगा कि आपको ये बुक लेनी है। तो बस यहाँ से आपको सारी सिलेक्ट कर लेनी है और जब आप प्रेस करेंगे रिसीट तब आपके लिए रिसीट निकल जाएगी और दैट्स इट। बस तो इतना सिंपल प्रोसेस होता है, बच्चा भी कर सकता है। तो हमने ये ले लिया है सारे ही उसके बुक्स। शी इज़ सो एक्साइटेड टू रीड। और अब हमें एक बुक नहीं चाहिए उसको, उसने बोला मुझे रिटर्न करनी है। तो रिटर्न करना भी एकदम इजी है, आपको यहाँ आके बस उसे जाने देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा कि आपकी बुक रिटर्न हो गई है एंड दैट्स इट। We are now going back to home. Pihu is so excited. Mama,
ઓ ચાંદા મામા કેટલા સરસ દેખાય પીયુ આઈ ટોલ્ડ યુ હા એન્ડ યુ વર સેઇંગ નો આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ કમ કયું પેલું ચાંદલિયા વાળું સોંગ તારો અને તારા અને ડેડીના લિરિક્સ બેસ્ટ. કેવું મજા આવી પીયું લાઇબ્રેરીમાં? બહુ મજા આવી. ઓકે, કાલે બેક ટુ સ્કૂલ. હવે જવાનું સ્કૂલ. तो अब बज गए शाम के 5:30 और अब तो जल्दी जल्दी अंधेरा होने वाला है. देखिए, तो हम लोग गए थे लाइब्रेरी और लाइब्रेरी जाके फिर आ गए हम लोग वापस घर और अब बनाएंगे डिनर और खाएंगे खाना. तो पहले पीयू की स्कूल से ईमेल आया था कल के वो लोगों का ऑनलाइन लर्निंग होगा, पर शायद वो स्ट्राइक का कुछ एंड आ गया होगा. तो अभी फिर से फोन आया कि कल जाना है स्कूल. तो पीहू कल स्कूल जाएगी आफ्टर 6 दिन के बाद पीहू स्कूल जाएगी ऑलमोस्ट. और 3 दिन के लिए जाना है, फ्राइडे सैटरडे संडे. फिर से हॉलीडे है क्योंकि फ्राइडे रिमेम्बरेंस डे है, यहाँ पर पब्लिक हॉलीडे है. तो बस ऐसे बिताया आज का दिन. मामा, अगर आपको अगर आपने हमारे वीडियोस देखे नहीं है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और हमारे वीडियो देखने. इफ यू आर गॉड फॉर डूइंग सम कमेंट्स तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. मामा एंड कमेंट मैं आज तो मैंने प्रॉमिस कर कि तू आज वीडियो एडिट नहीं करो. वीडियो एडिट नहीं करो तो केवरी तुम को. ओके, चलो फिर मिले तब तक. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण.